दोस्तों ये गाड़ी है TUV 300 और मॉडल है 17। और इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम यहाँ से इग्निशन ऑन करें तो ये जो लाइट है, ये सर्विस की लाइट है, वो आ रही है, तो इसे हमें रीसेट करना पड़ेगा तो जाएगा। और इसका मोबिल पलटी हो चुका है, तो इसको हम कैसे रीसेट करेंगे, तो उसके लिए हमने अपना स्कैनर है वो कनेक्ट किया हुआ यहाँ पर। और ये इसका लोकेशन है, इसमें लाइन आ रहा है, और जो हमारा स्कैनर है स्कैन प्लस एक्स है, इससे हमें इसकी सर्विस लाइट को रीसेट करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ इशू नहीं है, इसमें सब सॉल्व हो चुका है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए स्कैन प्लस एक्स ओपन करेंगे, यहाँ पे लोकल डायग्नोसिस में जाना है, एशियन में जाना है, उसके नीचे की तरफ जाएंगे, महिंद्रा इंडिया 14.10 वर्जन, ओके। यहाँ से हम व्हीकल सिलेक्शन में जाएंगे, पैसेंजर व्हीकल है, TUV 300, सिस्टम सिलेक्शन, और उसके बाद फिर आएंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में IC, उसके बाद यहाँ से स्पेशल फंक्शन में जाना है, और सबसे लास्ट में आएगा सर्विस लाइट रिसेट यानी वाइल्ड लाइट रिसेट, इस पर क्लिक करेंगे। कह रहा है कि ये आप करना चाहते हैं सर्विस लाइट रिसेट, तो हाँ करना है, इस पर क्लिक किया मैंने। अब सर्विस व्हीकल सर्विस इज परफॉर्म्ड, ओके कर देंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लाइट आ रहा था सर्विस वाली, वो चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्कैन प्लस एक्स का इस्तेमाल करके किसी भी गाड़ी का सर्विस लाइट रिसेट कर सकते हैं महिंद्रा वगैरह में। बाकी इसमें कुछ फॉल्ट वगैरह है नहीं, सब क्लियर हो गया है। ठीक है, और आपको वहाँ पर EMS में भी दिखा देते हैं, कोई फॉल्ट उल्ट नहीं है, डेट फॉल्ट कोड में नो ट्रबल कोड। तो इस तरीके से हमने इसकी सर्विस लाइट जो था TUV 300 का रिसेट कर दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।